नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द वर्स्ट एक्ट्रेसेस ऑफ द ईयर 2017। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध ले और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एट नंबर 10 ऑफ द वर्स्ट एक्ट्रेसेस ऑफ 2017 बॉलीवुड इज ईशा गुप्ता। ईशा गुप्ता की लिपस्टिक जिस तरह ने उन्होंने कमांडो में लगाई थी, वो ही उनसे अच्छी एक्टिंग करती थी और इसी के वजह से उन्होंने ट्विटर पर मुझे ब्लॉक कर दिया। ईशा गुप्ता जो कमांडो में एक्टिंग की थी, इट वाज अ मॉकरी। जिस तरह से उन्होंने एक्टर को भी शेम किया, उनका प्रेजेंस स्क्रीन पे हमारे लिए एक अशुभ बात हुआ करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ईशा गुप्ता स्टेज पर आती है या फिर स्क्रीन पे आती है, तब उनके कपड़े एक्टिंग करते हैं या फिर उनकी लिपस्टिक एक्ट करती है। एट नंबर 10 ऑफ द वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2017 इज नॉट देन ईशा गुप्ता फॉर कमांडो 2, जो कि एक वाहियात फिल्म थी दीवेन भोजानी की। तो फ्रेंड्स, एट नंबर 9 वी हैव विजेता बैग। विजेता बैग वो लुकिंग लाइक अ काम वाली अ सर्वेंट। मुझे पता है उनका कैरेक्टर एक गरीब औरत का था, एक गरीब महिला का था, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आते हो, तब आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बदन पे अपनी जबान लेकर चाटना शुरू नहीं कर सकते हो। वो साइड देखने के बाद मुझे उल्टी आ गई थी फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में। ये फिल्म क्यों बनी मुझे नहीं पता, लेकिन विजेता बैग जिन्होंने फिल्म की थी, उनको ये फिल्म करने के लिए शर्म आनी चाहिए। शी इज द नंबर 9 वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2017। एट नंबर 8 इज कृति कुल्हारी। बीजेपी का पावर लेके और मधुर भंडारकर का दिमाग लेके जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो इतनी फ्लैट गिरी बॉक्स ऑफिस पे। क्योंकि फ्रेंड्स, लोग आगे बढ़ चुके हैं, लोग अब पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ना चाहते, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो टाइम पे 75 में इमरजेंसी में लोगों ने क्या किया था। और एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर इंदु का, जो बाद में जाकर अपनी सरकार बनाती, ना इस फिल्म में इंदु थी ना सरकार थी, बस था तो वो टॉर्च वाला जिसने बैठ के मेरे साथ फिल्म देखी थी। क्योंकि उसने पूछा कि हीरोइन कौन है, मैंने बोला भाई अगर जब मुझे पता चलेगा मैं तुझे भी बता दूंगा। तो एट नंबर 8 इज कृति कुल्हारी फॉर द मूवी इंदु सरकार। एट नंबर 7 सुनील शेट्टी की बेटी, सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट, बड़े होंठ बड़ा माथा अथिया शेट्टी। अथिया शेट्टी फॉर मुबारका इज नंबर 7 एट द वर्स्ट एक्ट्रेस लिस्ट। पूरे फिल्म में जिसने मजा किरकिरा किया हमारा मुबारका में, वो थी अथिया शेट्टी। पूरे फिल्म में अथिया शेट्टी ऐसी थी, उनका होंठ यहां से यहां आता था और उनकी नाक यहां से यहां जाती थी। पूरे फिल्म में शी वॉज अ सॉरी अफेयर। आई डोंट थिंक अथिया शेट्टी को कोई साइन करेगा इस फिल्म के बाद, और मुझे लगता है वो सुनील शेट्टी को मदद करे, लेकिन बाद में कभी जिंदगी में बॉलीवुड में नहीं आए। एट नंबर 7 वी हैव अथिया शेट्टी फॉर अ शिट्टी परफॉर्मेंस, शिट्टी परफॉर्मेंस इन मुबारका। एट नंबर 6 वी हैव सनी लियोनी फॉर तेरा इंतजार। सनी लियोनी ऐसी खूबसूरत महिला, खूबसूरत औरत, उनका प्रोफेशन जो भी हुआ फास्ट फूड में, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में अपना मकाम बनाया है। लेकिन एक फिल्म में बड़े पेट थलथले अरबाज खान के सेक्स स्क्रीन करना उनको भारी पड़ा। वेल फ्रेंड्स, एक इंडस्ट्री में एक हीरोइन की टाइम लिमिट सिर्फ 10 साल की होती है, और इसी दौरान अगर आप अरबाज खान का सेक्स सीन कर दो तो आपका मार्केट वैल्यू कितना गिर जाएगा आप समझ लो। उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में इतना खराब था, उन्होंने पूरे मुंह में एक भी फेशियल मसल नहीं हिलाई, एंड शी वॉज लुकिंग अ सॉरी अफेयर इन द मूवी तेरा इंतजार। इसलिए वजह से द वर्स्ट एक्ट्रेस सनी लियोनी फॉर तेरा इंतजार। एट नंबर 5 वी हैव जूली। जूली फिल्म में जब मैंने रिव्यू दिया था, तो राय लक्ष्मी का जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे मैसेज किया ट्विटर पे कि तूने भाई जो बात बोली वो सही बोली। जब उसका बॉयफ्रेंड ये बात बोल सकता है, तो फ्रेंड्स आप सोच लो वो फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप होगी। राय लक्ष्मी फॉर जूली 2 इज नंबर 5 फॉर द वर्स्ट एक्ट्रेस जस्ट फॉर अ स्किन शो एंड नो एक्टिंग प्रोवेस, अ बैड एंड अ रबिश गार्बेज स्क्रिप्ट टू गो ऑन स्क्रीन। ये फिल्म को लोगों ने थिएटर में दूसरे दिन ही रिजेक्ट कर दिया था। एट नंबर 4 वी हैव नन अदर देन अक्सर बेबी हिप्पो को पानी में देखता हूँ, जरीन खान फॉर द फिल्म अक्सर 2। अक्सर बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे पता है वो फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं थी, स्क्रीन प्ले भी अच्छा नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स हिमेश के जो गाने थे उसने उस फिल्म को बना दिया। लेकिन यहाँ पे बेबी हिप्पो जरीन खान जब स्क्रीन पे आती है, उनके होंठ, उनका बड़ा सा जिस्म, वो स्क्रीन में देखने का मन नहीं करता। गाइस, एक हीरोइन ऐसी हो जो अधिकारा हो, एक्ट्रेस बन सके, एक्टिंग कर सके, ना ही वो जो अपने अंग प्रदर्शन कर सके, और इस फिल्म में अंग प्रदर्शन के नाम पे हमें हिप्पो दिखाई दी जिसका नाम था जरीन खान। एट नंबर 3 वी हैव नन अदर, मेरा नाम श्रद्धा कपूर है, मैं बनी हूँ
हसीना आपा, लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने बकचोदी की। हसीना पारकर वॉज अ मॉकरी। अगर हसीना आपा जिंदा होती तो अपनी आत्महत्या कर लेती। लिटरली मैं चाहता हूँ कि डोंगरी के लोग और जितने मोहम्मद अली रोड के लोग हैं वो श्रद्धा कपूर को ले जाके गुफा में बंद कर दे। आई मीन पेट में प्रोस्थेटिक मेकअप लगा के, बाल में तेल वेल लगा के, यू नो यहाँ पे पान के टुकड़े रख के कोई हसीना पारकर नहीं बन सकता। मैं किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक बायोपिक बनाओ तो आप वो कैरेक्टर में आ जाओ और कैरेक्टर को इस तरह से निभाओ कि लोग जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो बुरा फील करे, जब अच्छा हो रहा हो तो अच्छा फील करे। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा कपूर ने जो किरदार निभाया था फिल्म हसीना पारकर में, ना हमको उन पे सिंपैथी आती है, ना हमको उन पे दया आती है। पर दया आती तो हमारे पे, क्या हमारे हमने अपने इतने पैसे खर्चा करके क्यों इस फिल्म को देखने आया। एट नंबर 3 श्रद्धा कपूर फॉर हसीना पारकर। एट नंबर 2 वी हैव नन अदर देन अनुष्का शर्मा, ना अनुष्का कोहली फॉर फिलौरी। वेल फ्रेंड्स, फिलौरी इतनी बकवास फिल्म थी। आई मीन अनुष्का शर्मा अपने करियर के इतने फैंटास्टिक मोमेंट में चल रही है, कौन सी बंदी सुल्तान फिल्म करने का फिलौरी ऐसी टट्टी फिल्म करेगी। फिलौरी में अनुष्का शर्मा का परफॉर्मेंस इतना खराब था, उनका भूत का VFX भले अच्छा हो लेकिन उनका जलियान वाला बाग वाला एंगल, यू नो दिलजीत दोसांझ जो डोसा बनाने के जाने वाला है अभी, उसके साथ जब वो आई स्क्रीन पे हमें देखाने गया, आई मीन उनका जो भी अवतार था, जो भी उन्होंने गाने गाए, वो फिल्म एक डिजास्टर थी गाइस। लोगों ने भी उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। इसलिए एट नंबर 2 द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2017 इज अनुष्का शर्मा, ना अनुष्का कोहली इन द मूवी फिलौरी। एट नंबर 1 नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, नन अदर देन बड़ा माथा सर पे कम बाल मर्दाने जिस्म में औरत की शक्ल लेकिन सोनाक्षी सिन्हा। नूर फिल्म इतना बड़ा वाहियात मजाक था। मैंने ये फिल्म गाइस 200 रुपए में देखी थी। मेरा मन किया मैं सोनाक्षी सिन्हा के बाल बेच के 200 रुपए वापस लूटूं मेरे। सोनाक्षी सिन्हा शुड स्टॉप एक्टिंग इन मूवीज एंड शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग कॉमेडी रियलिटी शोज, जो आजकल कर रही है अबीश मैथ्यू के साथ जाके कॉमेडी सर्कस, जो भी उनका AIB का वो। सोनाक्षी सिन्हा हैज बिकम अ सॉरी अफेयर। आई मीन वो हीरोइन जो दबंग में लॉन्च हुई थी सलमान खान के सामने और इसने राउडी राठौड़ में अक्षय के साथ एक ब्लॉकबस्टर दी थी, वो जब आके ऐसी फिल्में करे सलवार कमीज और चश्मा पहन के फेमिनिज्म के नाम पे झंडा गाड़े, हमें वो नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, नंबर 1 ऑफ द वर्स्ट एक्ट्रेस इज सोनाक्षी सिन्हा फॉर नूर। ये एपिसोड फीमेल्स को इंसल्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था, ना ही हम लोग कोई कॉन्ट्रोवर्सी चाहते हैं, ना ही कोई फसाद झगड़ा चाहते हैं। तो जितने भी फेमिनिस्ट लोग हैं प्लीज ये एपिसोड ना देखे, अगर डिसलाइक करना डिसलाइक करके चले जाए। ये मेरा ऑनेस्ट लिस्ट थी ऑफ द वर्स्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर 2017। इनको सबक सिखाना जरूरी था ताकि अगले साल 2018 में अपना काम इम्प्रूव कर सके। तो फ्रेंड्स, ये रिव्यू एक टेक में शूट हुआ है। अगर पसंद है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और जितना हो सके सब्सक्राइब कर दो। मियां मेरा सर साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।